You are watching SBR News 1. Today's news update. Let's watch. आप सबको तहे दिल से ईद मुबारक कहते हैं SBR News 1 चैनल से। कर रहा हूँ यहाँ पे नंदी दुर्गा रोड पे हम आए हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप बैरिकेड डाले हुए हैं, तमाम पुलिस वाले हैं यहाँ पे। मकान के लिए बहुत से पब्लिक आ जाएगी, बहुत से लोग आएंगे, इसके लिए कानून का पालन हो रहा है यहाँ पे। किसी को जाने नहीं दे रहा, सबको वहाँ पे रोक रहे हैं। बस इसी तरह से यहाँ पे गवर्नमेंट अच्छे से अच्छा कर रही है, पुलिस वाले भी कर रहे हैं। हम आज के मशहूर मारूफ शख्सियत शेख शाहबुद्दीन के साथ इंटरव्यू ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख शाहबुद्दीन साहब। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, ईद मुबारक आपको। सबसे पहले आज की ये लॉकडाउन की ईद के बारे में क्या बताएंगे आप? लॉकडाउन की ईद क्या बोल सकते हैं भाई, नसीब है हमारे। जी जी, नमाज कैसे अदा की आपने? नमाज घरों में अदा की। तमाम यहाँ पे क्यों खड़े हुए हैं आप? हम यहाँ, हमारे एक दोस्त के वालिद का इंतकाल हो गया है। जी जी, तो इधर मकान खरीद में है। जी जी, उधर जाने नहीं दे रहे हैं। क्यों जाने नहीं दे रहे हैं भाई? लॉकडाउन का कानून है ना भाई, नहीं जा सकते। कुछ 20 आदमियों को है ना जाने? 20 आदमी, जब तक तो मरहूम की बाड़ी लेके आना ना भाई। जी, कैसे इंतकाल हो गया आपके दोस्त? वो उम्र दराज आदमी थे, तो इस वजह से उनका इंतकाल हो गया है। जी, अस्सलाम वालेकुम अफजल भाई, ईद मुबारक। सबसे पहले आपको ईद मुबारक, और हमारे तहे दिल से हमारे SBR चैनल वालों को ईद मुबारक है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने कवर कर रहे हैं हर चीज़ को, जो राशन की सप्लाई कर रहे हैं और जो गरीबों के लिए सब चीज़ हेल्प कर रहे हैं, सब बहुत अच्छी बात है। माशाल्लाह, हिम्मत से हिम्मत अफजाई की दाद देता हूँ उनको कि मेम्बर हर जगह पर जाके वो अच्छी तरह से कवरेज करते हैं, जैसे बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं वो। जी, आपका रमज़ान कैसा गुजरा? रमज़ान तो रमज़ान के बारे में जो भी चला, लेकिन अल्लाह के फजल से इसमें है, इस साल में हर साल की तरह इस तरह में और बेहतरीन इबादत हुई अल्लाह के फजल से। और रोज़े तो माशाल्लाह सारे के सारे रोज़े रहे हैं हम इंशाल्लाह। और जो दूसरा रहा ईद की नमाज़, तो घर में ही पढ़ लिए माशाल्लाह। और दूसरी बात जो रहा, मेंबर मकान को जाने के लिए आए थे, लेकिन मकान के सब जगह मकान पूरा बंद करके हैं कि, तो मेन मकान अगर खुला रहता तो अफरी तफरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो लोग की भीड़ ज़्यादा हो जाती है, इसलिए मकान सब सारे बंद किए हैं। बहुत अच्छी बात है। मेम्बर नहीं तो क्या होता है, ये ईद का मसला रहता ना, सब लोग मकान के ले जाते हैं ना, तो सब अपने बच्चों को फैमिली इनको सब लेके जाते हैं करते हैं, तो इस वजह से प्रॉब्लम होता है बोल के वो बराबर तरीके से बंद करके हैं। बहुत अच्छी खुशी की बात है। बाद में और कुछ हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे आज ईद के मोमेंट पे? बस दुआ करते हैं अल्लाह इनका चैनल अच्छे से अच्छा कामयाबी पे बुलंदी पे हो। जिस तरह से कवरेज करते हैं, अल्लाह उनकी फैमिली और उनकी सब सेहतमंदी और हिफाजती फरमाए। अस्सलाम, ईद मुबारक आपको। ईद मुबारक आप सबके चैनल को भी, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। जो ईद कैसे गुजरी आप? सब अल्लाह का फजल करम है, अल्लाह का शुक्र है, अच्छी से अच्छी ईद गुजरी है। मकान को जाने आए हुए हैं। जी, किस वजह से? हमारे दोस्त के वालिद का इंतकाल हो गया है, उसके लिए आए हुए हैं। पूरा लॉकडाउन है इधर में, तो बाड़ी के लिए जपले के खड़े रहे हैं। अब इंशाल्लाह के अभी लॉकडाउन, आपका रमज़ान में लॉकडाउन था, आपकी तरह भी नमाज कैसे गुजरी? अल्लाह का फजल करम बहुत अच्छा से गुजरा, अल्लाह का शुक्र है। सब नमाज घरों में अदा किए, बाहर जाने का ये नहीं था गवर्नमेंट से। जी जी, बहुत अच्छे से अच्छे गुजरे, बहुत अच्छी सी इबादत गुजरी। तो बेंगलुरु के शहरों से क्या करना चाहेंगे? बेंगलुरु के जो भी बाशिंदे हैं यहाँ पे, मुसलमान जितने भी हैं बेंगलुरु शहर के अंदर, उनको क्या कहना चाहेंगे? अंदर रहकर आराम से रहना चाहिए, बाहर निकलना नहीं, कोरोना वायरस से जी हिफाजत ही करना पड़ेगा। थोड़े रोज़ तकलीफ पड़ना पड़ेगा, बात ऊपर वाला है, सबको अच्छा करेगा उतना, ये दूसरा क्या कर सकते हैं। कानून का पालन करना चाहिए, नहीं तो कैसा होएगा ये? आपका दुकान बंद सब पूरा बंद जो है हमारा, वक्त 2 महीने से तो बंद है, लॉकडाउन है। इंशाल्लाह कब खुलेगा देखेंगे, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, देखेंगे। अल्लाह थोड़ा नाराज़ है, अपने घरों से बंद रखे हैं, हम लोग ठीक नहीं है, नाराज़ कर चुके हैं। SBR न्यूज़ के बारे में SBR वाले बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत मेहनत पड़ रहे हैं, बहुत सब जगह जा के न्यूज़ डाल के सब पब्लिक को घर बैठे दिखा रहे हैं। माशाल्लाह, उनको भी खैर खैर दियो, उनको भी कामयाबी अदा फरमाएँ इंशाल्लाह। ठीक।